ब्रेक के बाद फिर आप मन के स्वागत है बर्थन खबर मंडहर। रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र स्थित बस स्टैंड में पुलिस ने एक बड़का कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए के सोना जब्त किए है। एकर संगे में सोना के तस्करी करत 3 लोगन मन ल भी गिरफ्तार किए गए है। ये मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के है। जानकारी के अनुसार बड़का मात्रा में सोना जगदलपुर ले एक बस के माध्यम ले भाटा गांव बस स्टैंड लाए जावत रही से आदर्श आचार संहिता के चलत पुलिस हाँ चेकिंग अभियान चलाए रही से ए बेरा एक बस ल पुलिस हाँ रोकी से जी हाँ 3 आरोपी मन के तीर ले रखे बैग में करीबन 10 करोड़ के सोना बरामद किए गए। राजधानी रायपुर में अभी आचार संहिता लागू है दक्षिण विधानसभा चुनाव से पहले, और चुनाव से पहले ही एक बड़ा कामयाबी जो है, बड़ी सफलता जो है वो टिकरापारा पुलिस को यहाँ पर मिली है। करीब 10 करोड़ रुपए का सोना जो है यहाँ पर बरामद किया गया है। कहाँ से ये सोना आया, कहाँ से इसकी पूरी जांच की गई, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं टिकरापारा थाना CSP यहाँ पर राजेश देवांगन यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर इतनी बड़ी जो कामयाबी है, जो सोना आप लोगों ने बरामद किया, कहाँ से आ रहा था, किस तरह से कार्रवाई की गई, ये पूरा बताइएगा। दक्षिण विधानसभा रायपुर में चुनाव होने को है और आचार संहिता भी रायपुर में लग गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर आज सुबह भाटा गांव बस स्टैंड में चेकिंग की जा रही थी। एक बस को रोकने के दौरान 3 सवारी उसमें मिले, जिनका बैग को चेक करने पर उसमें भारी मात्रा में सोना मिला। तो पुलिस के द्वारा आगे पूछताछ के लिए उनको टिकरापारा थाना लाया गया है। फिलहाल उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की वजह से उनको आयकर विभाग को सौंपा गया है। ये कहाँ से ये सोना ला रहे थे, पूछताछ में अगर इन्होंने कुछ बताया हो कि कहाँ से सोना लेकर आ रहे थे, कहाँ किस चीज़ किसका था, ये सब चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है? प्रारंभिक जाँच में यह स्पष्ट है कि ये जो तीनों सवारी थे बस, जो बस से आ रहे थे, ये जगदलपुर से रायपुर इस सोना को ला रहे थे। सोने का लगभग जो वजन है ये 12 किलो 800 ग्राम है और कीमत लगभग 8 करोड़ के आसपास है। भारी मात्रा में सोना था, इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इसे आयकर विभाग को आगे कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है, और साथ ही साथ DRI को सूचना दे दी गई है कि ये कोई स्मगलिंग का सोना तो नहीं है, कोई सी ब्लैक के कोई सोना तो नहीं है, इस वजह से इसको आगे जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न डिपार्टमेंट उसको सूचना दे दी गई है। किस तरह का सोना था, मतलब ज्वेलरी थी, बिस्किट्स थे, क्या थे? ये जो सोना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया, इसमें ज्वेलरीज थे, कंगन थे और कुछ बिस्किट के फॉर्म में भी सोना जब्त किया गया। तो देखिएगा, इस तरह से अलग अलग कई के फॉर्म में यहाँ पर सोना है, लगभग 10 करोड़ रुपए का ये सोना यहाँ पर बताया जा रहा है। पुलिस की जो चेकिंग अभियान थी, उसमें चेकिंग अभियान के दौरान ये सोना इनको मिला है, और यकीन तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो टिकरापारा पुलिस के दौरान यहाँ पर की गई है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, नादी TV रायपुर।